गांव पधारियो ना अनमोल युगियो ना रत्ना मोटिया ना पूजा बटेरा हो सुनती आपने सामे ये गणतंत्र दिवस माटे भाषण प्रस्तुत करना चाहूं हूं भूल चूक हो तो माफ कर दो आप सगला ने हेंगो पहली गणतंत्र दिवस में मोगली मोगली शुभकामनाएं आप सगला ने जानकारी में है कि आज रो दिन अपने देश सारू की तो महतारू है अपने देश का सगला नर नारी सारू उत्सव रो दिन है इन महतारू बेला रे अपन अटे बेला हुया हां अपने आजादी तो 15 अगस्त 1947 ने मिली लेकिन आज ने ये दिन 26 जनवरी 1950 में अपने देश का संविधान बनन तैयार हुयो और लागू हुयो 26 जनवरी 1950 में अपना वो देश भारत प्रजातांत्रिक गणतंत्र बनो गणतंत्र रो अर्थ हो जनता सारू जनता रो राज मतलब कि जनता रो मुख्य कोई राजा नहीं रहे जनता खुद वोट देन खुद के मुख्य ने चुने गणतंत्र प्रजातांत्रिक गणतंत्र बनने के बाद देश में अनेक समस्याएं अनेक अफगाया भी आई है और अपने देश का नेता वन निपटाने का भी कार्य घने ही करिया अपने देश में आजादी और सुभाष चंद्र बोस लाल बाल पाल राजगुरु भगत सिंह सुखदेव महात्मा गांधी भीमराव अम्बेडकर और आदि ऐसा घने महापुरुष या जिन्होंने नाम इतिहास में बना माई गए थे वह सगला ने योगदान के कारण अपने आजादी मिली अपने संविधान में बढ़ने में 2 साल 11 महीना 18 दिनों मदद लागियो अपनो और संविधान दुनिया का सगला सियो लाठो और लिखित संविधान है अपने इस संविधान में है भगड़ा धर्म समाज मीना लुगई टापर ने पालन पोषण फलन फूलन और उन्नति सारू की नियम कायदा बनायोड़ा है और ये नियम कायदा ही अपन संविधान में लिखोड़ा है और हमारा पालन अपन करना चाहिए अब आजादी के बाद अपन देश ने एक साउंड ढांचे की जरूरत थी वो साउंड ढांचा ही अपन अपन संविधान गिरी गए आज पावन बेड़ा या पाठ बेड़ा होन पढ़ लेवा कि अपन संविधान में लिखोड़ा जितना भी मौलिक अधिकार है हक सर्व अपा जागरूक रहवाला और अधिकार के सागे सागे अपा कर्तव्य भी पालना करावला ए कर्तव्य मोटे मोटे रूप यू है कि अपन देश जितना भी बैठी है और हमारा अपन मान राख रहा है 6 बरस को लगा 14 बरस का डाबरिया ने मेरा गोल अपन देश को विकास कर सके और जीता और जीता भी नदी तालाब जीव जंतु है हमारा रक्षा करने लो अपन